हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है ज़ीब्रा फिंच। ज़ीब्रा फिंच के बारे में बात करेंगे, इसके केयर के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं ज़ीब्रा फिंच के केज। ज़ीब्रा फिंच के केज रिक्वायरमेंट 1/1.5 भी हो सकती है, 1.5/1.5 भी हो सकती है। जितना बड़ा आप करना चाहिए उतना बेहतर है। ज़ीब्रा फिंच को 1/1 केज में भी रख सकते हैं, पेयर बाई पेयर। और इसके अलावा यह कॉलोनी में भी बहुत अच्छी ब्रीड करती है। इसके अलावा इसकी डाइट रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है, जिसमें एग फूड वगैरह, ग्रीन्स या कोई भी आप वेजिटेबल्स वगैरह डाल सकते हैं जो आप बजरीज को डालते हैं। दाने में ये सिर्फ मेलेट्स खाती है, कंगनियाँ, बरी कंगनी होगी, गोल कंगनी होगी, देसी कंगनी होगी, लाल कंगनी, ये सब खाती है। और इसके अलावा इसको नेस्टिंग मटेरियल बहुत ज़रूरी है इसके लिए, जितना ज़्यादा उतना अच्छा। और सबसे लाइट कोशिश कीजिए नेस्टिंग मटेरियल यूज़ कीजिए इसके लिए, क्योंकि ये सब बहुत ही छोटा बर्ड है, ज़्यादा वेट उठा नहीं सकता। और इसके अलावा आप मटकी भी लगा सकते हैं, बॉक्स भी लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं कि पसंद ना पसंद वाली इसमें बात हो। इसके अलावा इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है ज़ीब्रा फिंच का तकरीबन 18 टू 20 डेज। और चिक इसका तकरीबन बाहर आ जाता है 30 डेज में, सेल्फ हो जाता है अगले 10 दिनों में। के बाद ये पेयर मैच्योर होता है, ऑलमोस्ट 4 to 5 months की एज में ज़ीब्रा फिंच मैच्योर हो जाती है, ब्रीड के काबिल हो जाती है। तो कोशिश ये की जाए कि 6 months में पेयर लगे, पहले ना लगे, क्योंकि उसकी वजह से इनकी बोन्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कैल्शियम डिफिशेंसी हो जाती है। और बात करते हैं मेन चीज़ पर, कैल्शियम, जो कि हर बर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है और ज़ीब्रा फिंच के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी ज़ीब्रा फिंच जब 6 एग ले करती है तो अपनी हड्डियों में से सारा कैल्शियम वेस्ट कर देती है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा हाई डोज ऑफ कैल्शियम चाहिए डेली बेसिस पे। उसमें आप यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम ब्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, समुंदरी जाग यूज़ कर सकते हैं, ग्रिट यूज़ कर सकते हैं, और एनी सॉर्ट ऑफ लिक्विड कैल्शियम भी यूज़ कर सकते हैं या सप्लीमेंट। मल्टीविटामिन आप इनको दे सकते हैं। नहाना ये बहुत पसंद करती हैं, इनको डेली क्लीन पानी दिया जाए जिसमें नहाती हैं। नहाने के बाद ये एग्स पे बैठती हैं, जिसकी वजह से एग्स की ह्यूमिडिटी कंट्रोल रहती है, तो इनकी ह्यूमिडिटी वगैरह का भी इतना इशू नहीं आता। नेस्ट बनाती हैं तो उसमें ह्यूमिडिटी अपने हिसाब से रखती हैं। इनका चिक रेशो बहुत अच्छा है हैचिंग का। सो दैट्स इट गाइस, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा, होपफुली इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंजॉय द वीडियो।